क्या था? कौन था वो? था कौन? कौन था? जिंदा हूं ना मैं? हाँ मैं जिंदा हूं। क्या था वो? कौन था वो? ही इज अ एसआर के, वो शाहरुख खान सर है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। आई एम ऑनेस्टली सेइंग, वो शाहरुख खान कहीं से लग ही नहीं रहे, वो लग रहे मेरे को लग रहा है WWE की तरफ फाइट करने के लिए जा रहा है ये बंदा। भाई भाई बॉडी देखो, लुक्स लाइक जॉन सीना भाई। मतलब क्या बॉडी है, क्या स्टाइल है, क्या स्वेग है, क्या हेयर स्टाइल है, क्या मैं क्या बोलूं। मतलब वो बॉडी देख के जिस तरीके का भाई, वो एब्स दिख रहे, पता नहीं सिक्स पैक नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं 10D पैक, 15 पैक। भाई मैं एक बात बोलता हूँ, ये पोस्टर को देखने के बाद एक बात तो आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बिगेस्ट कमबैक एवर कोई करेगा ना, वो करेगा शाहरुख खान सर। बिगेस्ट कमबैक एवर। आप भले जितना भी बोल लो, पिछले 8 साल से मूवी, पिछले 4-5 साल से मूवी नहीं आया, पिछला 5-6 मूवी फ्लोप है, इतना फ्लोप है, इतना फ्लोप है, इतना फ्लोप है, कितना भी चिल्ला लो, बट पठान आएगा, उसके बाद जवान आएगा, उसके बाद डंकी आएगा ना, शाहरुख खान को पता चलेगा, शाहरुख खान फैंस बताएंगे कि भाई असली बॉलीवुड का बादशाह कौन है, रोमांस का बादशाह कौन है। एंड भाई वही रोमांस का बादशाह जब एक ऐसी मूवी लेके आएगा ना जो कि एक्शन थ्रिलर होगी, जो कि मास मसाला होगी, जैसे कि ये पठान ले लो, उसके बाद भाई वो आप इसको लो, जवान को लो, उसके बाद आप देखो डंकी को लो, तब आपको पता चलेगा बिगेस्ट कमबैक एवर किसको बोलते हैं। और इतने टाइम से शाहरुख खान गायब थे ना, तो कहां गायब थे आपको पता चलेगा, क्योंकि आप देखो पहली बात तो पठान जिसका इंतजार तो भाई मतलब पूरी की पूरी दुनिया कर रही है, उसके बाद जवान भाई अटली के साथ, उसके बाद ये डंकी भाई, ये इतना भाई फाड़ू मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। देखो यार दो सुपरस्टार है जिनके ऊपर नजर रखना, पहली बात तो प्रभास, क्योंकि प्रभास के बाद जो प्रोजेक्ट है ना वो ही खतरनाक है। आप आदि पुरुष की बात करो, आप सलार की बात करो, प्रोजेक्ट के में क्या आएगा मेरे को नहीं पता। उसके बाद आप शाहरुख खान की बात करो, पठान की बात करो, जवान की बात करो, एंड डंकी की बात करो, भाई 2023 के अंदर दो सबसे बड़े सुपरस्टार का टक्कर होने वाला है ना। इन दोनों का जो टक्कर होगा ना कि भाई कौन 2023 में सबसे ज्यादा कलेक्शन देगा इंडियन सिनेमा को, तो प्रभास वर्सेस शाहरुख खान सर होगा। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, इतना टफ कॉम्पिटिशन है ना कि भाई प्रभास के फैन तो बोल देंगे प्रभास शाहरुख खान को हरा देगा, शाहरुख खान के फैंस बोल देंगे भाई शाहरुख खान प्रभास को हरा देगा, बट नहीं, ये दोनों के दोनों सुपरस्टार ऐसे डायरेक्टर के साथ ऐसी ऐसी मूवीज लेके आ रहे ना, कोई बोल ही नहीं सकता कौन किसको हरा के जाएगा। बिकॉज यार ये पठान का लुक देखो भाई, मतलब यार ये बंदे को देख के, इनका हेयर स्टाइल देख के, इनका बॉडी देख के, इनका स्वेग देख के, इनके चेहरे का वो एटीट्यूड देख के भाई पता चल रहा है कि भाई किस लेवल का मूवी लेके आ रहे हैं शाहरुख खान। एंड ये पोस्टर भाई जो सेक्सी लग रहा है बंदा, जिस हिसाब का बंदा, जो स्टाइलिश लग रहा है, जो हैंडसम लग रहा है, जो बॉडी लग रही है, जो सिक्स पैक लग रहा है, जो स्टाइल लग रहा है, जो स्वेग लग रहा है, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, टोटली हिल गया मेरे को तो भाई, विश्वास ही नहीं हो रहा था ये क्या WWE का कोई जॉन सीना का कैरेक्टर का उसका मुंह उठा के शाहरुख खान का फोटो चिपका के डाल दिया ना, ऐसा फील आ रहा था। बट भाई मेरे कितने दिन बाद मैंने उसको, कितनी देर बाद मैंने उसको गौर से देखा, ही इज अ शाहरुख खान जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। एंड भाई क्या कमबैक करने वाला यार ये बंदा, आप देखो यार ये जो बॉडी दिखाया है, उसके बाद जवान के अंदर क्या बॉडी दिखाएगा। एंड डंकी एक ऐसा मूवी जो कि कॉमेडी वाला होगा भाई, टोटली डेसिंग, टोटली फैंटास्टिक, टोटली माइंड ब्लोइंग, एकदम हिलाड़ाला। एंड इंडियन सिनेमा का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट एवर कमबैक कोई करने वाला है ना, वो एसआर के सर एंड शाहरुख खान सर है। मार्क माई वर्ड, शाहरुख खान हिला डालेगा 2023 में जब पठान, जवान एंड डंकी लेके आएगा। मेरा वर्ड्स आप लोग याद रखना, बिकॉज यार आप कितना भी हेट फैला लो शाहरुख खान के खिलाफ, ये वही शाहरुख खान है जो कि 30 सालों से राज कर रहा है। एंड जब शाहरुख खान अच्छी मूवी लेके आएगा ना, तो वो 30 साल से जो सपोर्टर है ना, वो भाग भाग के इंडियन सिनेमा के अंदर भाई, बॉक्स ऑफिस के अंदर एंड थिएटर के अंदर ना, भाग भाग के शाहरुख खान को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे। बस अच्छे कंटेंट का वेट कर रही है पब्लिक, अच्छे कंटेंट का। एंड ये पोस्टर के बाद आप लोग बताओ भाई कितना एक्साइटमेंट बढ़ गया भाई, मेरा तो एक्साइटमेंट लेवल भाई पहले से यहां पे था और अब तो वहां तक पहुंच गया। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।